अब वहाँ हमारे सब, मैं ये भी कहूँगा डेरे के टीम में भी इन्होंने, प्रेमियों ने बड़ा साथ दिया। कल से उनके कोई 1000 आदमी हमारे साथ लगे हैं, आज सुबह फिर उनकी टीम बन गए। हरियाणा के जिला सरसा विच घग्गर दे वधदे जलदे पद्धर दे विच डेरा सच्चा सौदा दी शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फॉर स्विंग दे सेवादार लगातार आबादी एरिया नूं बचाउण दे लई प्रशासन दे नाल मोढे नाल मोढा मिला के जी जान दे नाल डटे हुए हन। वीरवार नूं भी शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फॉर स्विंग दे सेवादारां ने वख-वख टीमां दा गठन करके वख-वख थावां ते हड़ग्रस्त इलाकां दे विच बचाव कार्य अभियान चलाया। एक टीम ने बीती रात पिंड बाजेकां स्थित टुटे हुए रंगोई नाले नूं बन्नण दा काम कीता अते दूसरी टीम ने पुरानी चामल विच बुधवार तों रत्ताखेड़ा खरीद चैनल दे साइफन ते बन बनाउण दे अधूरे रहे कार्य नूं पूरा करन दा सेवा कार्य कीता। दूसरी तरफ तुहानूं दस दईए कि सेवादारां द्वारा अपनी जान हथेली ते रख के कीते जा रहे इस नेक कार्य ते ना केवल स्थानक लोग माण महसूस कर रहे हन बल्कि प्रशासन दे नाल नाल हुण सरकारां वी डेरा सच्चा सौदा दे सेवादारां ते गर्व महसूस कर रही हन। हुण ताज़ा बयान, सूबे दे बिजली मंत्री अते जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने हड़ग्रस्त इलाकयां विच ग्रीनेस फोर्स द्वारा कीते जा रहे इस नेक कार्यां दी भरपूर शलाघा कीती है। उन्हां ने कहा है कि डेरा सच्चा सौदा द्वारा जदों भी किते भी प्राकृतिक आपदा आउंदी है तां लोक सब तों पहलां अपनी जान दी परवाह ना करदे हुए लोड़वंदां दी सहायता करन दे लई पहुंचदे हन। इस मौके ते उन्हां ने होर की कुछ कहा, तुसीं वी जरूर सुणो। चावल गांव में एक छोटा चावल है, उस गांव के सरपंच ने औरतें आगे की नहीं तो ये मामला तभी रुक जाता। वहाँ जो पानी पे हेडवर्क्स है उसे अब वो हम बंद कर देते हैं, जो उसे चेन से खोल देते हैं। वो कहने लगे इस पानी को आप खोल दो, ये चाह रहे थे कि ये बंद कर दो, वो खोलना चाहते कि पानी हमारे में नहीं आए। उसमें वो जो उनका जो बीच में चादर है वो टेढ़ी होगी, ख़राब होगी। उस करके ये ना करने के बाद भी एक कारण बन गया पानी का, फ्लड का। वहाँ पानी टूट गया, अगले गांव में जाके कुछ जगह नहर को भी पानी क्रॉस करने लगा। वहाँ लोगों ने तुरंत ट्रैक्टर लगा के अपने वो उनसे डोले लगा के बांध लिया। अब वहाँ हमारे सब, मैं ये भी कहूँगा डेरे के टीम में भी इन्होंने, प्रेमियों ने बड़ा साथ दिया। कल से उनके कोई 1000 आदमी हमारे साथ लगे हैं, आज सुबह फिर उनकी टीम बन गए। बड़ी मेहनत करी उन्होंने, पिछली बार फिरोजाबाद बांध टूटा था तब भी इन लोगों ने मदद करी, बड़े उन्होंने सहयोग से जी जान से लगे। हमने उसका 70% अभी तक बांध बांध लिया, 30% है वो शाम अगले 1.5 घंटे में हम कंट्रोल कर लेंगे। देश दुनिया की तमाम खबरों नाल जुड़े रहने लिए सब्सक्राइब करो यूट्यूब ते सच कहूं पंजाबी चैनल। इस दे नाल ही बैल आइकन दब के पाओ लेटेस्ट अपडेट सब तो पहला।